थाना करैल क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 68 सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में जहां 3 की मौत हुई है, वहीं 2 घायल हुए हैं। एक कार को पीछे से टक्कर लगी है, जिसके बाद कई पलटे खाते हुए कार खाई में जा गिरी। आइए आपको भी दिखाते हैं। शनिवार सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए 68 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कुशलपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शवों को मोर्चरी भिजवाया। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 7 बजे थाना करैल क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 82.200 किलोमीटर पर आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही काले रंग की नेक्सा कार PV10JP6942, जिसमें सवार 5 व्यक्ति सवार थे, कार ट्रक PV03BA2625 से पीछे से टकरा गई, जिससे नेक्सा गाड़ी एक्सप्रेस वे पर पलट गई, जिसमें फीका झा पत्नी राजीव झा निवासी स्टैंड स्टेट 3GT नगर 33 फुट रोड मुड़िया जनपद लुधियाना सीरिया झा पुत्री राजीव झा निवासी उपरोक्त उम्र लगभग 27 वर्ष व चालक वीरेन मिश्रा पुत्र मध्य मिश्रा निवासी मुरीला थाना चेतनवा जनपद महाराजगंज UP की मृत्यु हो गई, तथा 2 अन्य लोग आदित्य झा पुत्र राजीव झा निवासी उपरोक्त उम्र 21 वर्ष व राजीव झा पुत्र नीचचंद उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। आज सुबह करीब 7 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 82 माइलस्टोन जो थाना करहल क्षेत्र में पड़ता है, एक नेक्सा गाड़ी एक ट्रक से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें से सवार 5 लोगों में से 3 लोग, जिसमें से 2 महिलाएं और एक गाड़ी का चालक है, की मृत हो गई है, जिनकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखाया गया है। और इसमें से एक राजीव झा जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और उनका लड़का आदित्य झा, ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके बेहतर इलाज के लिए सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।